नगर निगम फरीदाबाद के 40 वार्डों में हो रहे पार्षद पद के चुनावी मैदान में सैकड़ों दिग्गज नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 2 से चुनावी रण में उतरी 24 वर्षीय झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक युवती ने पूरे वार्ड के प्रतिद्वंदियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रीति शाह की, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें गरीबों के सम्मान और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है, जिसके आते ही बड़े बड़े नेताओं के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नगाड़े के चुनाव चिन्ह पर वोट मांग रही प्रीति शाह ने तिलक नगर की बस्ती का दौरा किया और लोगों से वोट की अपील की। जनता ने भी प्रीति शाह को खुलकर समर्थन दिया। डोर टू डोर हम तिलक नगर से कर रहे हैं, हमारे समर्थन बहुत बढ़िया मिला, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को बहुत पसंद आई और सब लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि झुग्गी वालों ने ही खड़ा किया तो ज़्यादा ही समर्थन मिल रहा है हमारे को, और मैं ज़्यादा झुग्गी से हूँ इस वजह से ज़्यादा ही समर्थन मिल रहा है हमारे। देखा जा गया है कि जो है समर्थन मिल रहा है आपकी, जो है देखी जा रही है, तो आप सबसे पहले कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहले हमारे झुग्गी में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सबसे समस्या एक छोटी सी है जिसकी है नाली, वह ना पानी निकालने का जगह है ना कुछ करने का जगह है, पानी गिराने का जगह ही नहीं है, और दूसरी समस्या हमारी पानी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से बस ये अपील करना चाहूँगी कि कोई भी नेता चुने, किसी तरीके से भी चुने, कोई भी हो, और वो ये देखें कि वो नेता कैसा है और क्या क्या कार्य कर पाए, और उनसे जो उम्मीद है उनकी वो पूरा करें। ये नहीं है कि वो मेरे को ही नगाड़ा। जनता से ये अपील करना चाहती हूँ मैं कि मुझे नगाड़े मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं और एक बार मुझे भी ये मौका दें कि मैं आगे सबकी भलाई कर सकूं। किस तरीके का प्रत्याशी अपने वार्ड में चाहते हैं? किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं आप? बढ़िया चाहते हैं, ईमानदार चाहते हैं जी, और बढ़िया बनाने के लिए चाहते हैं। आज तक जो भी आज तक पड़ोस में रहा तो सही करते गया है, इस पर से हम सारे मोहल्ले का लोग प्रीति शाह के खड़ा किए हैं, तो हमारे मोहल्ले से सफाई रहना चाहिए। हाँ। तो किस पे मोहर लगाएंगे 8 तारीख को? हम नगारा पर लगाकर मोहर लगा के विजय बनाएंगे। हाँ। नाम है मोहम्मद कौशर अली। मोहम्मद, किस तरीके का आप प्रत्याशी चाहते हैं अपने वार्ड में? यही प्रीति शाह को हम लोग वोट देना चाहते हैं, सब जितने भी हैं, और प्रीति शाह को चुनेंगे भाई, सब आदमी जितने भी हमारे समाज के सब वोट देंगे प्रीति शाह को। 2 नंबर वार्ड से नगाड़ा छाप पे मोहर लगाएंगे और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है सब पूरी करेंगे प्रीति शाह, और कह रहे छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है हमारी सोल्व करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम मोहम्मद इकलाम है। इकलाम, किस तरीके का प्रत्याशी देखना चाहते हैं अपने वार्ड में? अपने वार्ड में प्रत्याशी देखना चाहते हैं, यहाँ तो तकरीबन 15 साल से हम भी यहाँ रह रहे हैं, जो 55 साल का जो इलेक्शन होता है कितने जीत के चले गए, अभी तक मेरे झुग्गी का संविधान न नाली बना है न सही से खरंजा बिछा है, कुछ नहीं हो पाया। तो किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? इसलिए हम सब झुग्गी वाले मिलके कुछ बहुत चंदा उंदा इकट्ठा करके प्रीति शाह हम लोग उठाए हैं इलेक्शन में, खड़े किए प्रीति शाह को, कुमारी प्रीति शाह को, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं सब जितने भी और झुग्गी वाले भाई साहब हैं या जो भी बहन है, सब मिल को प्रीति शाह को वोट दे और भारी मतों से विजय बनावे उनको, जैसे आप मेरे झुग्गी की परेशानी दूर होंगे तो दूसरे के झुग्गी की भी परेशानी तो दूर होंगे ना। आप प्रीति शाह को, हम लोग प्रीति शाह को। फरीदाबाद टाइम्स में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM News। नमस्कार।